ऑल राइट, वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस स्पेशल सीरीज में. एंड दैट इज यू नो हाउ टू अनलॉक द डिजिटल मीडिया सीक्रेट्स फॉर बिल्डिंग योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस. और हमारे साथ आज फिर से एक बार फिर से हमारे बीच में है यंग एंड बडिंग डिजीप्रेनर फ्रॉम प्रयागराज जानवी सिंह. बहुत अप्रिशिएट किया आप लोगों ने, बहुत सारा आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हमारे यू नो पायलट एपिसोड के ऊपर में. वी आर वेरी हैप्पी दैट आपको ये कंटेंट रेलिवेंट लग रहा है और आपको बहुत पसंद आया जो हमने थीम को कैच किया है. एंड थैंक्स टू द टीम ऑफ यू नो पीपल हु हैव बीन वर्किंग बिहाइंड, जिसके बारे में भी जानवी आपको यू नो इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स बताएंगी दैट दीज पीपल आर रियली वर्किंग हार्ड बिहाइंड द सीन्स कि हम लोगों को एक अच्छा कंटेंट मिल सके और बहुत रेलिवेंट कंटेंट मिल सके जिससे हम सब कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सके. थैंक यू सो मच टू सुभाष जा एंड स्नेहाशीष बख्शी. दे आर वर्किंग रियली हार्ड एंड देयर एफर्ट्स रियली मैटर्स अ लॉट बिकॉज़ द वीडियो एडिटिंग पीपीटी एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेजेंटेशन. वो ना हो तो हम उतना अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे. सो देयर मैटर्स द लाइक देयर कंटेंट मैटर्स द मोस्ट. हमारे एफर्ट्स है बट उनके भी एफर्ट्स इक्वली है, ईदर इट्स ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन, इक्वली दैट इक्वली मैटर्स. Correct. Totally agree. So, Janvi, how has been the last 2 weeks? आप जो हैं मतलब इस बीच में भी आपने कुछ digital you know work किया, you know what all things did you do, you know आपको well, काम करती है? Yes, sir. So the first thing is I'm really enjoying this series. Like जितना प्यार मुझे लोगों से मिला है, all the good comments, all the good messages. I was totally overwhelmed with that messages and everything. And secondly, I have been creating my content bank जो मुझे अपने reels डालनी हैं, जो videos upcoming डालने हैं इस series के साथ साथ चलते हुए. तो जो मैं कंटेंट प्रिपेयर कर रही हूँ, सो आई हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंटेंट इन दिस वीक. तो वो बहुत जल्दी आउट होगा ऑन माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट टू. For sure. And all of us are following you. And I would request people to also, you know, follow Janvi because she has got a lot of, you know, I would say insights जो हम लोग के बहुत काम आ सकते हैं. Right? And we are really proud of you, Janvi. So, you know, before, you know, without doing much delay, now let us straight away come to the first, you know, chapter, I would say, of our series. And that is unlocking of social media benefits. Okay? Yes. Social media से आप कोई भी अछूता नहीं रह गया है. The you know highest or I would say the maximum or the biggest influence of the 21st century on people's lives is social media. हमें से कौन WhatsApp पे नहीं, हमें से कौन नहीं Facebook से affected नहीं है या impacted नहीं, हमें से कौन Instagram पे नहीं आना चाहता और हमें से कौन LinkedIn का इस्तेमाल नहीं कर चुका है या कौन YouTube नहीं देखता है. Each one of us is affected. कौन Twitter पे tweet नहीं देखता है, चाहे वो एक बड़े celebrity हों, चाहे वो हमारे देश के you know prime minister हों, चाहे वो अमेरिका के president हों, चाहे वो कोई बहुत बड़े sports के you know हस्ती हों, चाहे वो एक कॉमन मैन ही क्यों ना हो, सभी लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़े हैं. राइट फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग अपने लिए कैसे सोशल मीडिया के बेनिफिट्स को अनलॉक कर सकते हैं. और इसको जानने के पहले मैं सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा जानवी आपसे कि ये जो अभी नया ट्रेंड आया है डिजिटल सोशल का, ये काफी पड़ गया बिकॉज पीपल आर नाउ कन्फाइंड इन देयर होम्स एंड इसके पीछे एक बहुत बड़ा फिनोमेनन जो रिस्पॉन्सिबल हुआ है उसका नाम है कोविड. राइट, वी स्टार्टेड फ्रॉम 2020. सो व्हाट चेंजेस हैज एक्चुअली कोविड ब्रॉट यू नो इन द इंडस्ट्री, इसके बारे में जरा बात कीजिए जानवी. वेल सर, आई थिंक द चेंज इज वेरी ह्यूज एंड काफी बड़ा इवोल्यूशन आया है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ही नहीं बट टू ऑल ओवर द वर्ल्ड. लाइक जितनी भी चीजें हम आजकल ऑफलाइन करते थे वो ऑनलाइन हो गई है, चाहे वो शॉपिंग हो, लोग नेटफ्लिक्स से लाइक मूवीज से नेटफ्लिक्स पे शिफ्ट हो गए हैं. पहले हम पड़ोसियों से मिलते हैं, अब हम ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाते हैं. तो जब पूरी दुनिया फोन पे है देन वाई नॉट अस, राइट? एंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए भी ये बहुत बड़ा इवोल्यूशन है. एंड आई थिंक इन द लास्ट वीडियो एज आई सेड कि हम लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम लोग लीडर्स हैं, तो हमें तो चेंज करना ही है. सो वी हैव टू फॉलो दिस ट्रेंड. और लाइक सिर्फ हमें नहीं, एवरी फील्ड, लाइक इन एवरी फील्ड सोशल मीडिया इज मस्ट. एंड नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल सबको पता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है. तो सवाल ये नहीं है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे या नहीं करेंगे, सवाल ये है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग आपके साथ क्यों करेंगे. तो द थिंग इज कि लोग आजकल जब भी किसी को जानते हैं तो वो उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल जाके चेक करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं इस टाइम पे. तो उन्हें वहां से बहुत सारी इंसाइट्स मिलती है कि हाँ ये कौन है, ये जेन्युइन है या नहीं, जिनके साथ मैं जुड़ने जा रहा हूँ, जिनके साथ मैं काम करने जा रहा हूँ. सो दैट्स व्हाई सोशल मीडिया इज इंपॉर्टेंट. लोग पहले ही आपको स्क्रीन पे देखते हैं और वो वहीं से एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं. सो दिस चेंज हैज ब्रॉट लाइक अभी जो हम टेक्निक्स आज तक यूज कर रहे थे, सो लाइक 2005 की टेक्निक्स 2021 में काम नहीं आएंगी. बट दैट डजंट मींस कि वो टेक्निक्स बेकार है, लेकिन टाइम के साथ चेंज करना जरूरी है. अगर हम टाइम के साथ चेंज नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे. सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट.
डेफिनेटली डेफिनेटली, जब तक हम लोग अपनी अडेप्ट नहीं करेंगे न्यू हैबिट्स को लेकर के और न्यू ट्रेंड्स को लेकर के, कि आखिर क्या चीजें हैं जो लोगों को हमारे प्रति अट्रैक्ट करती हैं और क्या चीजें टर्न ऑफ कर देती हैं, अनलेस दैट यू नो वी नो दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल. फॉर एग्जांपल, मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ कि वो यू नो एक प्रोडक्ट को लेते हैं, उसके बारे में 25 लाइन लिख करके उस बेनिफिट्स को लेके फेसबुक पे चिपका देते हैं लाइक अ बैनर, एंड दैट इज आई फील द वन ऑफ द बिगेस्ट टर्न ऑफ्स फॉर पीपल हु आर वाचिंग दैट. सम पीपल आल्सो That is spamming, almost spamming. आप मतलब terrorize कर रहे हैं लोगों को. You are like a, you know, the information terrorist. Right. So we always advise कि you know you should build a brand about yours. क्या मैं जानता हूँ कि आप कई सारी बातें भी करेंगी. लेकिन एक typical जो मैं देखता हूँ जानवी लोगों के mindset होती है ना, मतलब they feel a little uncomfortable. Many people जो कि अच्छे networkers भी हैं, वो uncomfortable feel करते हैं और मतलब सबका माइंडसेट इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ऑनलाइन वर्किंग को लेकर के. तो आपका क्या मानना है, व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ पीपल व्हेन इट कम्स टू वर्किंग ऑनलाइन स्पेशली इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री? आई थिंक लाइक फर्स्टली तो लोगों को लगता है कि हम ऑनलाइन काम नहीं कर पाएंगे, दिस इज ओनली फॉर द यंग पीपल. बट लेट मी टेल यू, अगर आप स्टैटिस्टिक्स चेक करेंगे देन देर इज अ ह्यूज मार्केट अवेलेबल जहाँ पे मतलब बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक और इवन ओल्ड एज लोगों, लाइक इवन ओल्ड एज सब लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं. इवन मैं मेरे घर के बात करूँ, ऐसे बहुत सारे घर होंगे, मेरे घर में मॉम डैड चाचा चाची दादा दी एवरी वन इज देयर, बट यहाँ सबके सब फोन में लगे रहते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो फेसबुक हो, एवरी वन इज बिजी इन देयर फोन. एंड हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ यंग लोगों के लिए है, वो हम अडेप्ट नहीं करते हैं तो हम ब्लेम करते हैं सिचुएशन को, एक्सक्यूजेस देते हैं कि ये हम नहीं कर सकते. सो दिस इज द फर्स्ट लाइक मेंटल ब्लॉक, एंड और भी बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स हैं जो लोगों ने बना के रखे हैं, आई विल डिस्कस दैट लेटर. बट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो लोगों ने बना रखा है अपने माइंड में ब्लॉकेज कि हम ये नहीं कर सकते हैं. सो देर इज नथिंग लाइक दैट. अगर कुछ लाइफ में करना है एंड इफ देर इज अ वे देर लाइक इफ देर इज अ विल देर इज अ वे. सो आई बिलीव दैट. एंड एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट द एज, it's more about the inertia. Even young people could have a lot of inertia, people who are not willing to adapt, and you know, especially for business, many people have an inertia towards you know utilizing their social media for business. They are very happy to you know post khichdi kha karke wo post karenge ki humne khichdi khai, that way they are very happy. Humne Avengers dekha wo karenge, but Netflix pe ya humne Mirzapur dekha wo karenge, lekin uske baad business ko leke upload karne ka ek inertia hota hai. Thank God ki there are youngsters like you who understand the relevance of you know starting out early in their lives and you know also helping people with your contributions. To ye jo mindset hai logon ka, it depends, you know, it cuts across age, you know, groups, it cuts across demography, and this is very unique, and main bhi keh sakta hu ki ek study karne ke liye phenomenon hai. To janvi ye bataiye ki ye sab baatein sunkar kaisa lag raha hai ki ye ek art hai, ye ek kala hai. Ab kala kya hota hai, bahut talent pe depend karti hai. Ab Lata Mangeshkar ji ke paas achhi voice hai to acha ga rahi hai, it's a talent, okay? It's not a skill. ओके लेकिन क्या है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सबके लिए है, तो सबके लिए तभी है जब उसके ऊपर कुछ यू नो कुछ साइंटिफिक बेसिस हो. तो इज देयर अ साइंटिफिक मॉडल दैट यू आर यू वुड बी फॉलोइंग यू नो व्हेन इट कम्स टू डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग? क्या आप किसी साइंटिफिक मॉडल को फॉलो करते हैं? Well, scientific but more practical as well, that is a SOTO model. So that is social media, online tools, techniques and offline meetings, but now they have been shifted to online because the situation is getting worse. Right, so it's completely online. So till the time you are not like if you cannot move out home, like if you cannot move out from your home, so just attend online meetings and ye model jo follow karenge. This is ye jo model hai ye already bahut countries mein follow kiya ja raha hai, either it's America, Canada and various countries wo already ye model follow kar rahe hain abhi se. India mein bhi ye aa chuka hai, but like people have to adapt this kyunki iske alawa bhi koi option nahi hai. Because it is said, like I guess Bill Gates said that if your business is not online, your business will be out of business. So that's a very true thing. अगर हम अभी भी online नहीं आएंगे, अभी भी हम वो mental blockages रखेंगे, तो हम अपने business में grow नहीं कर पाएंगे. हो सकता है situation थोड़े time बाद ठीक हो जाए, but still वो ठीक होने के बाद भी एक ratio में काम करेंगे, like 60% offline, 40% online. So that would be even more better. अगर जल्दी success चाहिए network marketing industry में, अगर कुछ बड़ा करना है in your early age, so that's important. Very true. In fact, अभी अगर adaptation की बात करें तो digital को अगर देखें तो राशन की दुकानों को online लेके जा रहे हैं मुकेश अंबानी साहब. Exactly. जियो के platform के through Facebook और WhatsApp से collaborate करके. तो जिन लोगों ने कभी भी life में सोचा नहीं online जाने का, they are coming online. Yes. You know, there are stories of you know Big Bazaar going online. Everything is happening around us. Zomato and Swiggy के तो success को हम देख ही रहे हैं. Right. तो ये सब चीजें ऑलरेडी हो रही हैं, तो अडेप्ट तो हमें भी करना पड़ेगा. और आई एम वेरी हैप्पी दैट इसके पीछे इतना अच्छा सोचा समझा सैद्धांतिक सोटो मॉडल इसकी आप बात कर रहे हैं, इसकी चर्चा आपने लास्ट एपिसोड में भी किया था, राइट? Yes. Okay.
तो इसके बाद जानवी मैं ही जानना चाहूंगा कि तो आप तो ऑनलाइन वर्किंग करते हो और आपने इतने सारे ऑनलाइन वर्किंग का आपने एग्जांपल्स भी देखा है, स्टडी भी किया है, तो आखिर ऐसी कौन सी गलतियां लोग करते हैं या क्या चैलेंजेस लोगों को फेस होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एलाबोरेट कीजिए। ऑलराइट, तो मिस्टेक्स आर दिस कि सोशल मीडिया इज आई गेस द मोस्ट वंडरफुल टूल फॉर द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और फॉर द नेटवर्कर्स, बट एट द सेम टाइम इट इज मोस्ट डिजास्ट्रस बिकॉज यहाँ पे जो थोड़े से इमेच्योर नेटवर्कर्स है वो स्पैमिंग कर रहे हैं. You must have seen, join my company, join this opportunity, oh ye product, wo product, this company, that company, and they are always defaming other company. So this is not the way, ye theek nahi hai. But actually, we pata hona chahiye ki hume post kya karna hai social media pe aur kya post nahi kar rahe. 99% of the people don't know ki hume social media pe kya post karna hai. Unhe bahut acha lagta hai apni lifestyle, nayi gaadi, acha khana, sab kuch post karna, but when it comes to business, as you said, तो वो फिर वहां पे मूव नहीं करते हैं, वो वहां रुक जाते हैं. एंड चैलेंजेस इज कि लोगों को जब पता नहीं है कि पोस्ट क्या करना है तो वो लिस्ट नहीं एक्सपैंड कर पा रहे हैं. लिस्ट एक्सपैंड हो रही है तो लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, सेल्स क्लोज नहीं हो रही है, कहीं सेल नहीं हो रहा, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. बट इसका जो मेन रूट है वो यही है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें पोस्ट क्या करना है. सो दैट इज द थिंग वो हम डिस्कस करेंगे लाइक नेक्स्ट टू एंड थर्ड, लाइक सेकेंड एंड थर्ड डे में. मतलब कंटेंट क्रिएशन इट्स लाइक यू नो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद व्हाट यू आर पोस्टिंग बिकॉज़ एक्चुअली जो आप पोस्ट कर रहे हो कई सारे लोग उस पे अपना टाइम और अटेंशन देने वाले हैं. इट्स प्रैक्टिकली लाइक आप एक न्यूज एडिटर हैं या आप कह लीजिए कि आप एक फिल्म एडिटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, आपको उसको प्रेजेंट करना होगा. इवन इफ द अटेंशन स्पैन इज फॉर 5 सेकंड्स ऑन योर पोस्ट, स्टिल पीपल आर गिविंग द अटेंशन देयर, तो यू हैव टू मेक श्योर. इसके बाद जानवी मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो सारी चीजें हम देख रहे हैं, लोग गलतियां करते हैं या लोग पोस्ट सही नहीं करते हैं, गलत करते हैं, इसके पीछे क्या कोई बिलीफ सिस्टम है लोगों का जो कि अफेक्ट कर रहे हैं इन चीजों को? आई मीन व्हाट आर दी प्रोबेबली द राइट और द रॉन्ग बिलीफ्स दैट पीपल हैव व्हेन दे आर वर्किंग ऑनलाइन? एब्सोल्युटली देयर इज रॉन्ग, लाइक देयर आर रॉन्ग बिलीफ्स एंड मेंटल ब्लॉक्स. द फर्स्ट इज कि लोगों को उतना फेथ नहीं है या तो नेटवर्क मार्केटिंग पे या तो सोशल मीडिया पे. सो देयर इज अ थिंग कि फेथ कम है. सेकेंड इज लोग सोचते हैं कि हमें ये सोशल मीडिया पे बिजनेस करने के लिए इन्फ्लुएंसर होने की जरूरत है, बट दैट्स नॉट ट्रू कि हमें इन्फ्लुएंसर नहीं हो रहा. लोग सोचते हैं कि मेरे अगर 5,000 या 5,00,000 फॉलोअर्स है तभी लोग मेरी बात सुनेंगे, बट ये नहीं सोचते हैं कि जिसने जिसके आज 5,000 या 5,00,000 फॉलोअर्स है उसने भी कभी जीरो से शुरू किया होगा. और इन्फ्लुएंसर कोई पहले दिन से इन्फ्लुएंसर नहीं होता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है. एंड ये हमें कोई लाइक मतलब आई कैन से कि हमें कोई एक्सपर्टाइज नहीं हासिल करनी है कि हमें जो भी पोस्ट करना है, जो भी चीजें हमें बिजनेस करनी है, हम उसमें एक्सपर्ट नहीं होना है. हम आपको ये नहीं सिखा रहे हैं कि फेसबुक पे ऐड कैसे लगाएं या इंस्टाग्राम पे ऐड कैसे लगाएं या मार्केटिंग कैसे करें. इट्स जस्ट बेसिक कि आपको पोस्ट क्या करना है अपने बिजनेस के लिए और रिक्रूटमेंट कैसे करनी है. सो दैट इज द मेन थिंग. तो कोई भी पेड एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है. लोगों को ये रॉन्ग बिलीफ है एंड लोगों को लगता है कि स्ट्रेंजर्स से कनेक्ट करना है सो डिफिकल्ट ऑन सोशल मीडिया. So this is not the thing. जब तक हम ये mental blocks break नहीं करेंगे, तब तक आगे move on नहीं करेंगे. So it's very important to break this mental block. Very true. बिल्कुल सही कहा आपने. Actually ये social media का हवा जो हमारे ऊपर में आ जाता है ना, वो हवा हट जाना चाहिए. Because right. You know virtual world में भी हमें बिल्कुल उतना ही सहज रहना है जितना physical world में रहते हैं. Exactly. In fact जो new generation है virtual world में ज़्यादा सहज है. ठीक है. और जो older generation है वो real world में बहुत सहज है. हमको इसी को एक यू नो फिजिटल हो जाना है, जैसे कि हमारे मेंटोर भी कहते हैं फिजिकल प्लस डिजिटल, हमें फिजिकल हो जाना होगा. राइट. हमें एकदम बिल्कुल वही फीलिंग लेके चलनी पड़ेगी, जैसे कि अभी आप और हम लाइफ में कभी मिले नहीं है डायरेक्टली, वी हैव नेवर फिजिकली मेट. ओके, बट वी आर कोलैबोरेटिंग एंड वी आर डूइंग दिस वीडियो. तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन क्रिएट डिजिटल रिसोर्सेज एंड रेलिवेंट रिसोर्सेज फॉर पीपल, हाउ वी कैन यूज इट टू द मैक्सिमम. करेक्ट. इसी वीडियो से हम सीख सकते हैं फ्रेंड्स दैट यू नो हाउ सच रेलिवेंट थिंग्स कैन बी डेवलप्ड. और ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, यू हैव ग्लोबल स्केल. Okay, you can be fast. You can produce content like lightning fast. Okay, plus you can be, if you're focused, then you can really find out, you know, the pearls of wisdom. आप उस ocean, you know, जो knowledge की ocean है जो पूरी दुनिया में मौजूद है, इसके internet कहते हैं, उसे pearls of wisdom निकाल के ला सकते हैं. जैसे जानवी who's just a class 12 student has, you know, really, she's impacting the lives of so many people. Okay. So friends, I think आज के रेट में हमें बहुत सारी जानकारी मिली एंड थैंक्स टू जानवी जिन्होंने आज हमें बताया कि एक्चुअली हम सोशल मीडिया के बेनिफिट्स को प्रॉपरली अनलॉक कर सकते हैं, बट बिफोर अनलॉकिंग दैट वी नीड टू अनलॉक आवर माइंडसेट, है ना? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. या जानवी, बिफोर वी क्लोज दिस सेशन, आई वुड लाइक टू यू नो गेट योर फाइनल पॉइंट्स, यू नो ऑफ. श्योर.
लाइक कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज जस्ट दिस कि जो भी मैंने चीजें बताई लाइक सर आज की क्या चैलेंजेस थे क्या मिस्टेक्स थी ये सारी चीजों को देख के अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है क्योंकि जो मैंने काम किया मैंने कैसे काम किया आई वॉज वर्किंग विथ राइट माइंड सेट राइट स्किल्स राइट टूल्स एंड विथ प्रॉपर वर्क एथिक्स तो ये आपको भी फॉलो करना है तभी रिजल्ट मिलेंगे तो एक लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और लाइक फास्ट रिजल्ट के लिए ये अडाप्ट करना पड़ेगा जो भी मेंटल ब्लॉक्स है जो चैलेंजेस है उन सबको एक साइड रख के अगर नए सिरे से काम करेंगे एंड लाइक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सीखना कोई लर्निंग स्किल नहीं है कि हमने याद कर लिया ये एक प्रैक्टिकल स्किल है आपको करके देखना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली करके देखना पड़ेगा तभी सक्सेस मिलेगी सो दिस इज माय मैसेज टू यू सो प्लीज फॉलो दिस बिल्कुल दिस इज लाइक पेंटिंग और पोएट्री दैट यू हैव टू डू इट टू नो इट राइट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो जानवी वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस एपिसोड एंड वी वुड आल्सो लाइक टू यू नो गेट अ स्मॉल स्नीक प्रीव्यू ऑफ द नेक्स्ट एपिसोड व्हाट वी आर गोना हैव इन द नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड शुड बी सो नेक्स्ट एपिसोड विल बी ऑफ हाउ यू कैन बिल्ड योरसेल्फ अ ब्रांड एज आई टोल्ड यू नो यू डोंट हैव टू बी एन इन्फ्लुएंसर ऑन सोशल मीडिया लेकिन आप अपने आप को सोशल मीडिया पर ब्रांड कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हो सो दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन वहां से हम एक्चुअली में प्रैक्टिकल चीजें शुरू करने वाले हैं सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वंडरफुल सो दिस वाज यू नो Janhvi Singh on Unlocking Social Media Benefits. That is episode 1 of this series, how to do, you know, network marketing in lockdown and how to do network marketing digitally. And this is Ashish Jha signing off for today. Thanks and have a great time, friends, building your online business. Thank you. Thank you.